तो आज हम पढ़ेंगे शहीद शिबू मंडल के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पास में रहता है। 12वीं फेल, अच्छा हम देखे, अच्छा था। पढ़ाई लिखाई के लेकर एक नंबर मूवी था, एक नंबर। क्या मेहनत किया यार मनोज ने। मनोज मनोज इज़ द बेस्ट IPS सर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक न्यू ब्लॉग पर। तो क्या मैं बताऊँ यार, तबीयत इतना ख़राब है, कसम खुदा की इतना ही ख़राब लग रहा है, इतना ख़राब। कल क्रिकेट खेल दिए तो उसी पे एकदम जो है पूरा बदन हाथ दर्द कर रहा है पूरा। क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में बैठे बैठे पड़े हुए हैं, ना ही ट्यूशन जा पा रहे हैं, नहीं और कुछ। और ये रहा मेरा बुक, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, अपना गोविंदपुर थोड़ा सा पढ़ेंगे बस। सो सो के अपना स्टूडियो पर बैठे हुए हैं, देख ही सकते हैं, देख ही सकते हैं। बाहर इधर से धूप आ रहा है, और ये रहा अपना कुछ स्टूडियो, और इधर कुछ इस तरह से। बस यही है आज के ब्लॉग में, तो देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर सोएंगे। बहुत सर दर्द कर रहा है, बहुत ठंडा भी लग रहा है। और अभी टाइम कितना हुआ है पता है? मैं रोजाना 10 बजे, मतलब 10 या फिर 8 बजे के बीच में हम बोले थे कि वो लोग ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्या हुआ पता है आज कितना टाइम हुआ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। 12:15 हो चुका है, 12:15 में आज ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि मुझे तो सिर्फ यही था कि अपलोड करना है। और कल का ब्लॉग अभी थोड़ा सी एडिटिंग किया कुछ खास एडिटिंग नहीं किया, खास सिर्फ कट लगा दिए और डाल दिए, उसको अपलोड करेंगे, अभी डाउनलोड हो रहा है। बस यही है, थोड़ा सा आज का दिन थोड़ा तकलीफ़ में जा रहा है यार, बहुत बहुत तकलीफ़, बहुत इतना तकलीफ़, इतना दर्द आए हाय। और कोई बोलता है कि यार तुम तो अकेले रहते हो, कोई बात नहीं करते हो, कॉल नहीं करते। अरे भाई मेरा रिचार्ज ख़त्म हो चुका है, कोई है जो मुझे कॉल करे? ऐसा 3 दिन से मेरा रिचार्ज ख़त्म हुआ है, लेकिन किसी ने भी अभी तक तो कॉल नहीं किया। और बोलता है ऐसा वैसा वैसा, यहाँ बात करता है, इतना ही टाइम इंस्टाग्राम में ऑनलाइन क्यों रहता है? क्या क्या बताऊँ, सबका अपना अपना सोच है। फिर भी अपना लाइफ में जो चल रहा है वो मैं आप लोग को दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ एंड दिखा रहा हूँ। तो फिलहाल थोड़ा सा किताब पढ़ते हैं यार, थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं बाहर का नज़ारा। बाहर में यहाँ पे इस तरह से बैठ लेते हैं, इसमें दिखा देते हैं आपको। क्या दर्द कर रहा है रे? बस इस तरह बैठे हुए रहते हैं, इस तरह बैठते हैं, थोड़ा सा धूप भी आता है, और यहाँ पे अपना जो मर्जी हुआ पढ़ते हैं, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, इतना ज़्यादा पढ़ेंगे तो सर माथा हैंग हो जाए। तो आज हम पढ़ेंगे शहीद शिबू मंडल के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पास में रहता है, हमारे गांव का ही है, ठीक। तो मंडल है, तो ये शहीद हुआ था, ठीक ना? तो किस तरह से शहीद हुआ था वो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये शहीद हुआ था इस तरह से, जैसे कि मैं आपको पूरा पढ़ के सुना दे रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, ठीक। परासी पंचायत गांव निवासी सौ अतिका प्रसाद मंडल, अतिका प्रसाद मंडल सेवानित्र BLL कर्मी कर्मी, ठीक। BLL कर्मी ये क्या है, मतलब उसका पुत्र है शायद, हाँ। BLL कर्मी के पुत्र शिबू मंडल वर्ष 2006 में बोकारो जिला के नवाडीह कंजकीरो में उग्रवादियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हो गए थे। अच्छा, राजकीय मंडल CRP तथा राज्य कुमार मंडल पुलिस कर्मी शामिल है। माता का नाम मधुमालिका मंडल है। झारखंड सरकार ने शहीद के परिजनों आवासीय सुविधा जमीन आदि नहीं दी थी। अच्छा, यही है आज का टॉपिक, तो पढ़ते हैं और आप लोगों से मिलते हैं देर में, थोड़ा सा बंद कर दे। तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर सोए हुए हैं ऊपर छत में, देखो यहाँ धूप में सोए हुए हैं, इसलिए क्योंकि मुझे कुछ काम ही नहीं मिल रहा है। काम क्या चाहिए, कि यही कि तबीयत ख़राब है ना, इसलिए कुछ कर भी नहीं पा रहे, और करे तो करे क्या। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे लाइफ में होगा क्या। आई डोंट थिंकिंग अबाउट मी, कि मेरे बारे में मैं खुद सोच नहीं पा रहा हूँ। इंग्लिश सही या फिर गलत, आई डोंट नो, तो आप लोग बताना। तो सुनने में आया है कि 12वीं फेल मूवी एक है जो कि बहुत ही शानदार है, तो किस किस ने देखा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना यार। 12वीं फेल, अच्छा हम देखे, अच्छा था।
पढ़ाई लिखाई के लेकर एक नंबर मूवी था, एक नंबर। क्या मेहनत, क्या यार, मनोज ने, मनोज मनोज इज़ द बेस्ट IPS सर। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि किस किस ने देखा, और मेरे लाइफ में अभी वही चल रहा है। किसके तरह बताए, वही अरोरा पंडित ने किया है ना, उसके तरह जो आखिरी में न्यूज़ रिपोर्टर बन जाता है TV के लिए, तो उसी के तरह अभी हम बन चुके हैं। तो बताइएगा आप लोग, फ़िलहाल देखते हैं, अभी थोड़ा सा सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो गाइस, जहाँ पे हम थे वहीं पर हैं और वहीं पर रहना चाहते हैं, सॉरी रहना नहीं चाहते, अब जाएंगे अंदर, क्योंकि तब से हम धूप का मज़ा ले रहे थे यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है। अभी चाय वही पिए तो अच्छा लगा थोड़ा सा। और ये देख सकते हैं यहाँ पे सनसेट, यहाँ देख सकते हैं सनसेट कितना ही शानदार लग रहा है, पेड़ के साइड से सनसेट, हाय मज़ा आ गया। मुझे नहीं पता कि हम आज क्या करें और क्या किए और क्या दिखाएं आप लोगों को, इसीलिए बस यही था आज के ब्लॉग। तो फ़िलहाल आप लोगों को मेरा आवाज़ से थोड़ा सा समझ में आ ही रहा होगा कि मेरा तबीयत किस तरह से है। फ़िलहाल अभी डॉक्टर आएंगे, डॉक्टर आने के बाद थोड़ा सा दवाई वगैरह लेंगे, और दवाई वगैरह लेने के बाद जब ठीक लगेगा तो इंशाल्लाह कल अच्छा तरीके से ब्लॉग बनाएंगे। तो जस्ट आप लोग समझ में आ ही रहा होगा कि तबीयत तो मेरा बहुत ख़राब है। तो फ़िलहाल आज के ब्लॉग पर यही है, और आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, एंड देन मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग पर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।